अस्सलाम वालेकुम, ईमान किचन में वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल का सालन। आज हमने बनाना है मिक्स वेजिटेबल का सालन। आइए आपको रेसिपी की तरफ ले चलती हूँ, कैसे बनती है मिक्स वेजिटेबल का सालन। एक पाव मैंने गाजर ले ली है, एक पाव मटर, एक पाव आलू, एक पाव मूली, इन सबको हमने मिक्स बनाना है। चार चीजें ले ली हैं। अगर आप चाहें तो बंद गोभी भी ले सकते हैं, वो भी इसको उसको भी मिक्स कर सकते हैं। जितनी चाहें बढ़ाते जाएं क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। वन अदद हमने प्याज को बारीक काट लिया है। एक कप ऑयल का ले लिया, कढ़ाई ले ली है। अब हम इस फ्लेम ऑन करेंगे। एक कप हम ऑयल डालेंगे। एक अदद जो प्याज हमने काट के रखा था वो डाल देंगे। थोड़ी सी हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। दो अदद टमाटर काट के मैंने डाल दिए हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके थे, दो अदद टमाटर काट के मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें गाजर मटर ये शामिल करेंगे। आलू मूली और एक इसमें शामिल करेंगे चिकन कनोर क्यूब्स। चिकन कनोर क्यूब्स डाल दिया। अब हम इसमें मिसाले डाल देंगे। 20 स्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, 5 मिनट के लिए पकने देंगे। पांच मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ताकि सब्जियां इसमें गल जाएं। ढक्कन बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए अब हमारा सालन तैयार हो चुके हैं। ये देखिए हमारा मिक्स वेजिटेबल सालन तैयार हो चुका है। ये देखें, ये हमारा सालन तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।